हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर होने वाले उस चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे, जिस एक उपाय से खुल जाएंगे आपके किस्मत के ताले। मित्रों, भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की चतुर्थी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। 25 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ मित्रों, वर्ष भर में आने वाली सभी चतुर्थियों में से गणेश चतुर्थी एक विशेष चतुर्थी मानी जाती है, जिसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। माना जाता है कि मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज स्वामी जी द्वारा जान लेते हैं गणेश चतुर्थी से जुड़े कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, आज की हमारे इस वीडियो में अलग अलग समस्या का अलग अलग उपाय चतुर्थी के लिए नहीं बताया जाएगा। आपको सिर्फ एक ही उपाय बताया जाएगा, चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उसका समाधान तुरंत कर सकते हैं, उसी वक्त कर सकते हैं, अगर आप पर भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहेगी तो। और कृपा बनाए रखने के लिए उनकी पूजा अर्चना करना आप सभी जानते हैं बेहद जरूरी है, लेकिन खास इस अवसर पर किस प्रकार से एक छोटा सा टोटका अपने ही घर पे किया जाए, जिससे कि आपकी कोई भी परेशानी हो, कुछ भी चीज चाहिए हो, एक बारी उनसे मांग कर तो देखो। सच्चे दिल से की गई बात कभी भी असफल नहीं जाती, वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस उपाय के बारे में, क्योंकि इस उपाय में एक भी गलती यानी अगली चतुर्थी पर बात गई, क्योंकि इस चतुर्थी पर कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना करिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो अब मित्रों, गणेश चतुर्थी वाली रात को आपने एक छोटा सा कार्य करना है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करनी है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो कोई भी छोटी सी फोटो ले सकते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो स्पेशल छोटे से उपाय के लिए एक फोटो खरीद नहीं सकते क्योंकि उन्हें पैसे का आभार है। तो वह व्यक्ति एक छोटा सा कार्य करें, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हुए, उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कि हे देव, मैं अभी इतना सक्षम नहीं कि आपकी तस्वीर खरीदकर आपकी आराधना कर सकूं, तो सिर्फ छोटा सा एक स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी थाली में बना लीजिए, उस थाली को किसी लकड़ी के पाट के ऊपर रख दीजिए। अगर आपके पास थाली नहीं है तो आप फोटो को रखिए। पुष्प, धूप, दीप, जो भी आप कर सकते हैं वह उनकी पूजा करिए। मोदक का भोग लगवाइए या बेसन के लड्डू आप ला सकते हैं तो बेसन के लड्डू का भोग लगवाइए, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब ऐसा कर लेने के बाद एक छोटा सा हवन कुंड तैयार कीजिए। कुछ ज्यादा बड़ा यज्ञ आपको नहीं करना है, एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए। अगर हवन कुंड नहीं है तो कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, यानी मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उस हवन कुंड को थोड़ा सा प्रचंड कीजिए और सबसे पहले मन ही मन कुछ देर के लिए इस महामंत्र का जाप करिए और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करिए कि वह आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करें, आपके कार्य में आ रही हर एक रुकावट को दूर करें, या जो भी कार्य आप जो भी उनसे मांगना चाहते हैं वह आप मांगिए। उसके बाद इस महामंत्र का जाप करिए।
ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। यह महामंत्र का जाप आपने कुछ देर के लिए करना है, कोई माला नहीं लेनी। अब कुछ देर के बाद यह जाप कर लेने के बाद 7 बार शुद्ध देसी घी से उस हवन कुंड में आपको आहुति देनी है और 7 ही बार यह मंत्र बोलना है। ओम वक्रतुंडाय हुन, ओम वक्रतुंडाय हुन, ओम वक्रतुंडाय हुन। इस प्रकार एक बार ही आप मंत्र बोलेंगे और देसी घी की आहुति देंगे। ऐसे ही 7 बार मंत्र और 7 ही बार आहुति। ध्यान रखिए, यह मंत्र सिर्फ आहुति के लिए बोलना है और इससे पहले जो मंत्र आपको बताया था उसका आपने जाप करना है। सिर्फ इतना सा कार्य आपने करना है और देखिएगा भगवान श्री गणेश की कृपा इतनी बरसेगी आपके ऊपर कि आप खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। बस आपके कार्य में सच्चाई होनी चाहिए और आपके मन में विश्वास होना चाहिए। अब चतुर्थी से अगले दिन यह सभी सामग्री जल प्रवाहित कर सकते हैं और भगवान श्री गणेश की मूर्ति, भगवान श्री गणेश की फोटो अगर आप अपने मंदिर में रखना चाहते हैं तो बेशक से रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। इसी के साथ साथ स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण की तरफ से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।